बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोग एलिफेंट 3.0। आप देख रहे हो भाई साहब, इतना मजा अभी शुरू होने वाला है क्योंकि लग गए इसके भाई, बाइक सेट हो गया, इसका सैडल बैग लग गया, टैंक बैग लग गया, जैकेट पहन ली, राइडिंग गियर्स पहन लिया है। और भाई साहब, सो थ्रू आउट द यूट्यूब दिस विल द फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम वेयरिंग अ प्रॉपर राइडिंग गियर। सो हाँ, इट वॉज इम्पोर्टेंट, सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अभी हम जा रहे हैं बैंगलोर से हैदराबाद। सो पहले मैं हैदराबाद टू बैंगलोर आया था, फिर बीच में से दिवाली के लिए गया था मैं, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू हैदराबाद। सो गाड़ी रेडी है, मैं रेडी हूँ, पेट्रोल भरवाएंगे और निकलेंगे। टोटल 591 किलोमीटर है, 10 घंटे 28 मिनट लग रहे हैं, बट ऑब्वियसली फॉर रीजंस एक दो घंटे ऊपर नीचे होता ही होता। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो जैसे कि जर्नी अभी शुरू हो रही है तो पेट्रोल भराना बहुत जरूरी है, और जब बैंगलोर में पेट्रोल का रेट थोड़ा कम है, 10 रुपए का फर्क है हैदराबाद से, बट स्टिल यार फ्यूल एक बार भरा लिया, अभी फुल टैंक कर रहा हूँ, अभी बस निकलना है, मौसम भी सही है एकदम। तो अभी हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है भाई साहब, एकदम ये रोड भी एकदम बढ़िया है, और ये बस देख रहे हो भाई, कर्नाटका का BMTC बस है, और बसों से दूर रहो तो बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे एक बैंगलोर में एक प्रॉब्लम है यार, ये क्या है ना, रोड्स बहुत छोटे हैं यार, यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, और ट्रैफिक तो भाई साहब अलग लेवल पे, और ये पता नहीं कंस्ट्रक्शन की वजह से तो बहुत सारा हो ही जाता है कंजेस्टेड वाला ट्रैफिक, बट स्टिल अभी निकले हैं बैंगलोर सिटी में ही अभी भी टुवर्ड्स हैदराबाद। लेकिन वो बस यार बैंगलोर को ऑब्वियसली मिस करूँगा मैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट वॉज अ रियली रियली गुड जर्नी इनसाइड द बैंगलोर। बट भाई साहब ये देख रहे हो भाई, मौसम में भी तो फिलहाल सही है। देखो मैं यही बोल रहा था, देखो भाई साहब रोड कितनी छोटी है भाई, ये कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भाई साहब, और मेरे को लिटरली ना भाई ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीड मार के चलते रहो, आराम से चलते हैं सिटी के बाहर, फिर तो हाईवे पे एकदम स्पीड मारनी है। बट और एक चीज़ यहाँ पे क्या है बता, बैंगलोर का लिविंग भाई साहब क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड देखो भाई, कोई रोड क्यों ठीक नहीं कराता यार, ये तो सिटी के अंदर है, जैसे देख रहे हो आप हैदराबाद तुमकुर बैंगलोर सिटी, लेकिन अपने को तो निकलना है। भाई यहाँ पे ना मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं वही शेयर करूंगा, ये रोड देखने के बाद चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो वजह ढूंढते हैं, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में प्यारों, चलो जमीन पे ही कहीं हम सता ढूंढते हैं, छुटा संग कितनों की जिंदगी के जिम में, चलो उनके दिलों की हम गिरा ढूंढते हैं, बहुत वक्त गुजारा भटकते हुए अंधेरे में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। समझ रहे भाई, ये रोड चलाते हुए ऐसे वाली बातें तो मजे ही आ जाती है ना भाई। जैसे अभी चिकवलापुर क्रॉस कर लिया हमने, चिकवलापुर ये रोड इतना स्मूथ है, एक तो फर्स्ट पॉइंट, और भाई साहब ब्यूटीफुल वेदर है यार, इतना ब्यूटीफुल, लाइक 4 बजे लगेगा कि भाई लिटरली यार इतना ब्यूटीफुल वेदर है, और पहाड़ वहाड़ मैं दिखाता हूँ अभी। और ये हाईवे भाई, रास्ता देखो कितना प्यारा है भाई, कितना प्यारा है, और ये नज़ारा देखो लिटरली, और आगे ये नज़ारा मिलते रहता हो गया है चुम्मेश्वरी। तो भाई साहब 100 किलोमीटर के बाद रेस्ट करने का टाइम आ ही गया है, थोड़ा बाइक को भी ठंडा करते और अपने दिमाग को भी ठंडा, और जर्नी को थोड़ा सा गर्म, तो गर्म खाना खा के मेरे हिसाब से। तो ये है यहाँ पे बिग बे बोल के, सो यहाँ पे देखते हैं भाई साहब कुछ, अरे वाह मेरी गाड़ी जानू, सो देखते हैं कुछ खाने को मिलता है ना। तो भाई 100 किलोमीटर तक पहुँच गए हम लोग, ये मेरा सता भाई, नहीं कहीं को सता था नहीं मालूम मेरे को, हाँ ऐसे तो अभी हम पहुँच गए लाइक अराउंड बिग बे करके है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 591 किलोमीटर था, सो ना 490, सो 100 किलोमीटर आगे बंडाहल्ली के पास आपके पेरेसेंड्रा एरिया बोलते हैं, पेरेसेंड्रा एरिया के पास आपको मिलता, तो यू हैव योर स्टारबक्स, यू हैव योर बर्गर किंग एंड BK कैफे एंड एवरीथिंग। तो अभी देखेंगे बर्गर किंग में कुछ खाने के लिए रोका था,
यहाँ पे स्टारबक्स भी है, बर्गर किंग भी है, KFC भी है, आजान भी है। मैं लाइक आई एम ऑलवेज लाइक यू नो ढाबा स्टाइल पे करेंगे बोल के हमेशा। एंड दिस इज लाइक ढाबा स्टाइल में करेंगे सोचा, बट अगेन दिस इज लाइक गुड। यहाँ पे एक हल्दी राम्स भी है, देखिए हल्दी राम्स ठीक है। बैस्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, स्टाफ मजे कर रहे हैं, देख लो बैस्किन रॉबिन्स वालों तुम्हारे स्टाफ काम नहीं कर रहे हो, अलग बात है। ये टॉयज भाई हाईवे पे टॉयज, अच्छा बच्चे रहते तो इसलिए। वाह चलो हल्दी राम्स यार सही है भाई, छोले भटूरे ट्राई करेंगे यहाँ पे। सही है। हेलो हाय वेलकम टू हल्दीराम। हल्दीराम्स के अंदर आ गया मैं तो लाइक भाई समझ में नहीं आया KFC था, बर्गर था, कौन बर्गर खा था, कौन KFC का था। कुछ देसी खाएंगे भाई बोल के, इतना जंक फूड खाना नहीं है। पहले ही बैंगलोर में रहकर मैं वर्कआउट ही बिल्कुल नहीं किया, सो अभी ये लिए स्कैन नंबर 9 बोल के आपको नहीं दिख रहा है मालूम करके दिख रहा। सो इट्स गुड भाई, 240 की छोले भटूरे समझ रहे, 240 भाई साहब, महंगा है भाई महंगा है। पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई। वाह यूनिफॉर्म में तो वॉशरूम दिख रहा हूँ मैं सच में बोल रहा हूँ, इतना यम्मी टेस्टी है। इट्स ओके, इट्स 240 बट इट्स टेस्टी एंड स्टाफ इज ऑल्सो नाइस भाई। देख रहा हूँ ये वाला सब डाल के भाई साहब, यम्मी मैन सच में यम्मी, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। यू शुड ट्राई, अगर आप आ जाओ बैंगलोर टू हैदराबाद रोड पे, आई थिंक फ्रॉम बैंगलोर 100 किलोमीटर पे वैसेंड्रा बोल के रहता, उसका बिग बे उसके अंदर है, फ्रंट में नहीं रहेगा बैक साइड में रहेगा। फ्रंट में तुमको बर्गर किंग ये दिखता थोड़ा छुप जाता, बट वेन यू कम इन साइड यू फाइंड हल्दीराम से यहाँ पे। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं अभी हल्दीराम से एकदम, मैं ना एकदम क्या बोलते हैं एकदम मस्त वाला एक आराम से 20 मिनट आधा घंटा यहीं पे स्पेंड किया यार। कितना ब्यूटीफुल है देखो यहाँ पे, और मौसम यार ऊपर देखो क्या है ये भाई साहब, इतना मज़ा लिटरली आ रहा है ना, लिटरली वाला 20 मिनट बैठता हूँ। अभी है 493 किलोमीटर्स ठीक है, 493 किलोमीटर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ मोटा मोटा 200 मार लूँ करके, एक बार देखता हूँ हीट स्ट्रेच कर लूँगा मैं, उतना प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली वन थिंग इज अभी जाएंगे अनंतपुर, उससे नहीं बगेपली जाएंगे, बगेपली से अनंतपुर जाएंगे, फिर अनंतपुर से जाएंगे कर्नूल, कर्नूल से जाएंगे वनापर्ती, फिर वहाँ से महबूबनगर, फिर अपना हैदराबाद। सो भाई देखो गिरा ना तेरा बुलेट, और यहाँ पे स्टारबक्स, अरे ये स्टारबक्स वाला एक कॉफी विद करण ना भाई साहब। तो 493 किलोमीटर से एनर्जेटिक है और आराम से गाड़ी चलाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैं भी सबको यही बोलता हूँ, देखो वैसे तो सबको पता है गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ पे चलानी है, बट यार अभी इतना राइड कर चुका हूँ, जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया एंड आंध्र प्रदेश हो गया, चेन्नई हो गया, सो इतना राइड से मैंने एक चीज़ सीखा है कि आराम से गाड़ी चलाओ। और कभी भी वो एक होता है ना, नहीं मेरे को इसी टाइम पे पहुंचना है, मेरे को बस नहीं, अगर तुमको मैप में 10 घंटा दिखा है कि रास्ता लगेगा 10 घंटा, फिर उसके बाद अगर तुमको लग रहा नहीं भाई मेरे को 10 घंटे ही पहुंचना है, भाई बेवकूफ़ी वाला काम है। 10 घंटे की जगह 14 घंटा लग जाए भाई, 5-6 घंटे और लग जाए। अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द नाइट, अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो या लड़का हो या लड़की हो, फैमिली के साथ हो, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइक, तो कहीं रात में आप अगर आपको कोई होटल दिखे रोक के सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लाइफ से इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है, बाइक है, आप हो, कॉन्फिडेंस रखो, आराम से चलो। और अगर मैं देखा हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं वैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि इतने देर में इतना जगह पहुँच गया, 20 घंटे में वहाँ पहुँच गया, 10 घंटे वहाँ पहुँच गया, पहुँच के क्या ही उखाड़ लिया भाई 10 घंटे में, रिकॉर्ड मिल गया सब ठीक है भाई, तेरी वजह से अगर किसी को लगी और किसी कारण तू सब कुछ सही जा रहा, पीछे कोई आके ठोक दिया क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर सकता भाई। तो मैं एक चीज़ में मानता हूँ भाई, आराम से चलो, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे तो लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट बाकी जो है वो तो होना है, अनहोनी को कौन टाल सकता है भाई साहब। बट इतना वेदर देख के भाई मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बस
गाड़ी में बैठो और बस गाड़ी चलाओ बस। भाई साहब दिस इज रियली 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 ब्यूटीफुल भाई, बहुत सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एक जर्नी तो बनता है बस। एंड एज यू सेड, मैं वही बोल रहा था, एंजॉय द जर्नी नॉट द स्पीड, ठीक है, लव यू। की यहाँ से देखता हूँ 493 है अभी, जहाँ कैमरा शुरू करूँगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने किलोमीटर मारे हैं उसके हिसाब से। अब तो हो गया, ब्रेकअप हो गया बस, अच्छा खासा बैठा मैंने, चल